जयभीम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है थप्पड़ खाओ क्योंकि आप पुरुष हो। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर स्वरूप सरकार। नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वरूप सरकार कई परिवारों के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए एक प्रेरणा है। अपनी लड़ाई शुरू करने के लिए स्वरूप सरकार ने कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले अन्य लोगों से मुलाकात की और ऑनलाइन मंच बनाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि भारत के परिवार व्यवस्था को बचाने के लिए एक मॉडल सख्त जरूरत है, क्योंकि पक्षपाती कानून धीरे धीरे भारतीय परिवार की व्यवस्था में जहर घोल रहा है। उन्होंने अन्य वॉलंटियर्स के साथ सेव इंडियन फैमिली नामक एक संस्था का गठन किया 10 मार्च 2005 को, और वो संस्था SIF के रूप में लोकप्रिय हो गया। आज SIF पूरे देश में लिंग पक्षपाती कानून के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में बैठकें चलाता है और दुनिया भर से सीपीएंस कानूनी आतंकवाद और कुप्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का मुद्दा इस पर आधारित है। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है वो जरूर देखा होगा। घटना 30 जुलाई की है। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके के केसरी खेड़ा ट्रैफिक क्रॉसिंग पर हुई। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। जय भीम टीवी की खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ से। बीच सड़क पर एक लड़की ने एक लड़के को मारा। देखिए चाटा कितनी जोर से उचक उचक के मार रही है। चाटा नंबर एक, चाटा नंबर दो, और ये देखिए उंगलियां दिखा दिखा के चाटा मार रही है। बीच सड़क पे एक व्यक्ति ने आके बचाव किया, लेकिन वो लड़की वहां नहीं रुकी। क्या ये एक और चाटा मारा, चार चाटे मार चुकी है और कंटिन्यू उस लड़के के ऊपर चाटों की बरसात। पांच, और देखिए 6, 7, 8, 9, इतना उचक उचक के क्या कानून ने इस लड़की को इतना हक दे रखा है कि ये एक बीच सड़क पर एक आदमी को भरे सरे आम बीच चौराहे पे चाटा मारे और कानून को हाथ मिले। क्या कानून ने ये संरक्षण दे रखा है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं? कानून का दुरुपयोग, भरी सड़क पे ये एक और चाटा नंबर 10, और देखिए किस तरीके से ये कॉलर को खींच के उस लड़के को मारती चली जा रही है। 11, 12, और भरे सभा में कई लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़की कितनी बदतमीज है कि इसने, ये देखो 13, कानून का इतना घटिया घिनौना अपराध इसने अपने हाथ में लिया। So, दोस्तों आपने इस वायरल वीडियो को देखा और आपको मुद्दा भी समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और मुलाकात करते हैं मिस्टर स्वरूप सरकार से। हमारा जो मुद्दा आज का है चैनल का, वो ये है थप्पड़ खाओ क्योंकि आप पुरुष हो, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जय भीम टीवी का माध्यम से आपका जितना भी दर्शक है उनको ये चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, आप पुरुष हो, महिला हो, आपको कोई भी कानून, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नहीं देता है आप किसी का ऊपर फिजिकल वायलेंस करो। लेकिन हमारा इंडिया में जब से ये जो रेप लॉ और IPC 354 मोलेस्टेशन लॉ का अमेंडमेंट हुआ है, उसमें एक लड़की जस्ट उनका वर्बल स्टेटमेंट भी दे रहे, उसका कोई मेडिकल का भी जरूरत नहीं है, वो मेन का ऊपर, बॉयज के ऊपर मोलेस्टेशन रेप का चार्ज में रजिस्टर हो जाए, और ये लड़की लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया है। इसके लिए आप देखेंगे ये जो लखनऊ का केस है, ये कोई पहला केस नहीं है और ना ये कोई लास्ट केस होगा। मैं तो बोलता हूं ये जो है एक्चुअली डेल्टा वेरिएंट ऑफ जस्टलीन कौर केस ऑफ दिल्ली, जो सबको मालूम है। ऐसे रोहतक सिस्टर, कोलकाता, राजस्थान में एक महिला MP, ये मतलब आदमियों को मतलब जब मर्जी जैसे मर्जी उनके साथ मारपीट कर देते हैं, और जब पुलिस के पास एविडेंस भी आते हैं उसके बावजूद भी वो लड़की के ऊपर कोई FIR रजिस्टर करते ही नहीं है।
वो उल्टा लड़के को रजिस्टर कर देते हैं। जी। तो ये सिचुएशन में जो मतलब आप पुरुष हो तो थप्पड़ खाओ, ये मतलब हकीकत बन गया है। लेकिन मेरा हिसाब से ये बहुत खतरनाक है। तो देखिए, आदमी तो बार बार चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल ना, तो हर आदमी चुप बैठेंगे जी। जिसके लिए मैं हर टाइम बोलता हूँ, जो अनफेयर लॉ होते हैं वो आपको सोसाइटी में कभी भी क्राइम कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अभी ये जो लड़का है उसका आप सोचिए, उसका कितना दर्द है, वो जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल ना, बिल्कुल सर, वो जिस तरीके से मानसिक और फिजिकली मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ना दी गई है, उसके लिए मेरे ख्याल से वो जिंदगी भर वो जहन में रहेगी और बहुत ज्यादा दहशत बनी रहेगी उसके अंदर। और इसके लिए क्या होगा, अभी उसको काउंसलिंग का बहुत जरूरी है, क्यों एटलीस्ट 6 महीना 1 साल तो पूरा शक में रहेगा। सबको जो उसमें से बाहर नहीं आ पाया, आलो कोई बड़ा क्रिमिनल भी बन सकते हैं। और ये इंसिडेंस देखने के बाद बहुत लोग भी है उसके अंदर, मैं देख रहा हूँ ट्विटर में, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्यों आप वो आदमी को जस्टिस तो भूल जाइए, उसके साथ आप उल्टा इनजस्टिस कर रहे हो। आपने उनका जो FIR है, आप देखिए पुलिस बोलता है आप दोनों को पकड़ के ले जाते हो जी। आप लड़के को, वो बेचारा कुछ नहीं किया, वो पूरा मार खाया जी। आप उसको शांति भंग का नाम पे जेल में बंद कर देते हो जी। रात को 1 बजे उसका भाई आता है, आप उसको भी अंदर कर देते हो जी। और लड़की को आप आराम से छोड़ देते हो, घर चले जाओ, जबकि वायलेंट एक्ट लड़की ने किया। बिल्कुल सही। आपके पास CCTV है, आप CCTV का फुटेज आप 2 मिनट में चेक कर सकते थे, पुलिस वाले ने नहीं किया। तो ये जो केस है इसमें जो पुलिस वाले है उनको भी समझना चाहिए, ये एक गरीब आदमी है तो आप उसको मारोगे पीटोगे लॉकअप में डाल दोगे, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, काफी सारे पुलिस वाले को भी ऐसे केस में फंसाया गया है। अच्छा। ऐसे पुलिस वाले को भी मारपीट करके उसका वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया में डाल के कितना पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे तो पुलिस वाले को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए जी, उनको भी समझना चाहिए जी। जी कुछ भी हो जाए, इवन पुलिस को भी राइट नहीं है। बिल्कुल। सपोज कोई ट्रैफिक वायलेशन करे कुछ करे, इवन पुलिस का भी राइट नहीं है वो किसी को ऐसे मारपीट कर सकते है। और इधर ये लड़की उछल के मार रहे। हाँ, मैंने वीडियो सभी लोगों के दर्शकों ने देखा ही है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो कानून का दुरुपयोग और कानून को हाथ में लेने का हक, ये सबसे बड़ा सवाल है सर। ये मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कानून का दुरुपयोग और कानून को हाथ में लेने का हक, जो अभी लखनऊ का इंसिडेंट्स भरे चौराहे पे एक लड़की ने उचक उचक कर कितने चाटे उस लड़के को मारा, एक कैब ड्राइवर को, एक टैक्सी ड्राइवर को, क्या इस लड़की को यह हक दिया गया है कि वो कानून को अपने हाथ में ले? देखिए, कॉमन सेंस तो बोलता है नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो इंडिया गेट में जाके मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ऐसे लॉज बनाया, जो लॉ मेकर्स है, वो पूरा इनसेंसिटिव है, उनको दिमाग कोई कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये जो लॉ बनाया गया है, हमने उस टाइम बार बार बोला था, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है जो IPC 354 मॉलेस्टेशन लॉ जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। okay. डिग्निटी सेल्फ रेस्पेक्ट एक मेन का भी होता है जी। लेकिन आदमी के लिए कोई प्रोटेक्शन देने के लिए लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ये लोग मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट खड़ा हो जाते हैं। तो ये जो हक दिया है वो हिसाब लोगों ने दिया है, जो मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट में खड़ा होके ऐसे कानून बनाया गया है। तो सर जो बोलता है मिशनरी, एक मिनट, जो बोलता है मिशनरी, ये हम सबको जी सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लड़के जी,
बहुत हो गया और चुप मत रहो जी, जी। बोलो नहीं तो आपका सबका जिंदगी रास्ते में ऑफिस में घर में जीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है क्योंकि आज की तारीख में जो देश में कानून है उसमें जो पुरुषों का जो शोषण हो रहा है उसमें कानून के अंदर ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि आए दिन लड़के झूठे दहेज के कानून या मैं बात करूँ झूठे मारपीट के कानून में उनको फंसा दिया जाता है। तो सर ये जो अभी इंसिडेंट जो लखनऊ में हुआ उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ कि अगर पुरुष ने क्योंकि ये महिला ने थप्पड़ मारा था अगर मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ अगर ये पुरुष ने थप्पड़ मारा होता बीच चौराहे पर लड़की को तो फिर क्या होता सर? पूरा पुरुष समाज को काटघरे में खड़ा किया गया था। जो नेशनल कमीशन है वुमेन जो डिस्ट्रिक्ट जो भी फेमिनिस्ट ग्रुप्स है जो भी वुमेन एक्टिविस्ट है जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है इवन पार्लियामेंट में आज चल रहे ना पार्लियामेंट पे इस मुद्दे में भैंस होता नया कानून बनाने का भैंस होता यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन मांगा जाता जी बिल्कुल। लेकिन इधर मार खाया एक लड़का जी देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है चीफ मिनिस्टर आप रिजाइन करो आपका स्टेट में आप तो वोमेन चाइल्ड ये तो भूल जाओ एक आदमी का सुरक्षा आप नहीं दे सकते जी। तो आप दूसरे को क्या सुरक्षा खाक दो नहीं यही मशीनरी है यही कोई लड़का करता ना जी। जितना भी टीवी चैनल है बड़े बड़े उसको देखते दिन भर इसको चलाया जाते मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि अगर लड़की ने मारा तो उसके ऊपर दरिंदा 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 करके खाली वो लड़के नहीं है पूरे लड़के भारतवर्ष का पूरे लड़के को गुनेगार माना जाता यही सवाल है सबसे बड़ा सवाल है सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ माँ बाप को छोड़ा जाता लेकिन उधर लड़की ने किया है लड़की ने माफ किया है सब चुपचाप बैठे हैं मतलब उनके अंदर कोई इंसानियत बोल के कोई चीज नहीं है जी, जी, वो लड़का एक गरीब है और एक टैक्सी ड्राइवर है वो भी तो किसी का बेटा है वो भी किसी का भाई है वो भी किसी का पति है वो भी किसी का भाई है किसी का बेटा है किसी का देवर है भरकर परिवार में वो भी एक कमाता हुआ लड़का जो अपने घर परिवार को चलाता है जिसकी इनकम को ज़्यादा नहीं वो भी एक टैक्सी ड्राइवर। आपकी बात बहुत सही है सर क्योंकि अगर ये घटना किसी महिला के साथ होती तो आपका ये कहना है कि राजनीति दल बीच में आता और उस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाता और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात उठ जाती और साथ ही साथ महिला आयोग भी इस मुद्दे को उठाकर पार्लियामेंट में बात करती। लेकिन आज जो ये मुद्दा उठा है वो ये है कि उस पुरुष को भरी चौराहे पर उस महिला के द्वारा मारा गया लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है सारी जनता खामोश है और तमाशा देख रही है। तो क्योंकि लड़की है इसलिए उसको हक दिया है कि वो मार सकती है ऐसा हक कहाँ लिखा है कानून में कि वो कानून को अपने हाथ में ले और अगर उल्टा होता तो क्या होता जैसे अभी स्वरूप सरकार जी ने बताया कि पूरे लड़के उसके परिवार को जेल के अंदर डाल दिया जाता बिना सोचे समझे बिना इन्वेस्टिगेशन किए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सर तो मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा क्या पुरुष होना इस देश में गलत है भारत देश में? ऊपर वाले ने तो ऐसे कुछ नहीं किया लेकिन हमारा जो इंडिया का जो कानून व्यवस्था है जो प्रशासन है जो वुमेन एक्टिविस्ट है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हालत ऐसे कर दिया है आज एक आदमी ना तो रोड में वो आराम से जा सकता है ना घर में आराम से दो रोटी खा सकते हैं ना ऑफिस में आराम से काम कर सकते हैं। अगुरा जी मैं क्या बोल रहा हूँ ये कोई पहला केस नहीं है पहले भी कितना केसेस है ये तो कुछ केसेस है जिसमें सीसीटीवी फुटेज है इसलिए सामने आ पाया जी बिल्कुल। हमारा जो वॉलंटियर्स है वो पुलिस स्टेशन में 3 दिन से चक्कर लगा रहा था जी। पुलिस साहब एक केस में सीसीटीवी फुटेज में ये लड़के का कोई गलती नहीं है जी। आप वो लड़की को क्यों छोड़ दिया पुलिस वाले ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं किया
जब जाके ट्विटर में जब जनरल पब्लिक इसके ऊपर आवाज उठाया, आक्रोश दिखाया, तब जाके कल जाके एफआईआर रजिस्टर किया। लेकिन एफआईआर में भी 506 नहीं डाला। लड़की ने जो झूठ बोला कि कार मुझे टक्कर मारी, ओपन एविडेंस है, उसको वहां पर नहीं है, वहां पर वो लड़की को टक्कर कोई भी वीडियो में दिख नहीं रहा है कि लड़की को कार वाले ने टक्कर मारी। बल्कि अगर देखा जाए तो सिग्नल गलत तरीके से वो लड़की क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। इवन वो लड़की को पहले एक बस भी टक्कर मार सकती थी, बिल्कुल। और इवन वो जब क्रॉस भी कर रही थी, सपोज उधर खड़ा ना होके वो चली भी जाती तो भी क्रॉस हो जाती, वो जानबूझ के उधर खड़ी हुई ड्रामा करने के लिए, जानबूझ के। आप वीडियो देखिए, बिल्कुल वीडियो में दर्शाया गया है, ऐसे बिल्कुल वीडियो में चलते भी थे ना, चलते भी थे तो भी वो क्रॉस हो जाती। सर उसमें एक चीज और आया कि वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वहां पर जनता कोई भी नहीं आई, वहां तमाशा देख रही थी अधिकतर जनता। और उसमें से अगर एक लड़का आखिरी वीडियो में आया, उसमें आया, लेकिन उस लड़की का अत्याचार देखो। उस लड़के को बचाने के लिए अगर कोई आगे आया था तो उसने उस लड़के के ऊपर भी हाथ उठाया है। ये क्या कानून में लिखा है कि लड़की हर किसी को मार सकती है, महिलाएं हर किसी को मार सकती है? नहीं, ये कानून में तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या करे अग्रवाल जी, माहौल ऐसे बना दिया है। आप देखो किसी का हाथ में आप AK-47 दे दो, सामने वाला आदमी के पास एक लाठी भी नहीं है, दो तो जो AK-47 जिसके पास है वो तो आपको मारेगा ही, आप तो कुछ कर नहीं सकते। और ये जो आप बोल रहे हो उधर पुलिस वाले जो खड़े थे वो क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर थे, मौजूद थे वो पुलिस। यही क्वेश्चन जब हमारा वॉलंटियर पुलिस स्टेशन में जाके पूछा, जो आयो थी मैडम ने बोलते है वो तो पुलिस पुलिस थे, वो कुछ करता तो लड़की उसके ऊपर भी केस डाल देते और उसको हमें सस्पेंड करना पड़ता। तो मतलब शर्मसार करने की, आज का दिन शर्मसार करने की। मैं वो जो लड़का था जो आर्मी का ऑफिसर ना होगा, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। हमें ऐसे नौजवान को जरूरत है, बिल्कुल सही। उसने एटलीस्ट ट्राई किया, उसने भी मार खाया वो लड़के के लिए, दो चटा वो भी तो खा सकते थे। लड़का आपकी सहनशीलता देखिए सर, उस ड्राइवर की सहनशीलता देखिए, उसने कितने चाटे खाए चौराहे पे और हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी, और उसकी सहनशीलता देखिए। तो राजनीति दल से ये गुजारिश है जय भीम टीवी के माध्यम से कि कोई भी कृत्य इस तरीके का, कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी हक नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। और अगर किसी चीज को कोई तकलीफ भी है या कुछ गलत भी होता है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। लेकिन पुरुष को मारना है या भरी सभा में महिला को मारना है, दोनों तरफ से गलत है। किसी के हाथ, किसी को भी कानून ने ये संरक्षण नहीं दिया कि आप जाइए और उसको मारें। ये अपराध कोई भी ना करें, ये जय भीम टीवी की ओर से हम आप सभी से गुजारिश करेंगे। आखिरी में एक सवाल सर, राजनीति दल से आप और सरकार से क्या मांग करते हैं, जय भीम टीवी के दर्शकों और जनता को आपसे जानना चाहती है? नहीं, राजनीतिक दल से ज्यादा मैं सब वोटर को अपील करना चाहता हूँ। अभी यूपी का इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का टाइम, मेन का सुरक्षा, मेन का सेफ्टी कोई भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहेगा तो उसको वोट नहीं करना है। तो दोस्तों, कोई भी वोट मांगने आए कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप उसको पूछो आपका मैनिफेस्टो में आदमी का सुरक्षा के लिए क्या रखे हो, आदमी के ऊपर जो झूठा केस होता है उसके लिए आप क्या करोगे। जब ऐसे सिचुएशन में कोई लड़की आदमी को उछल उछल के मारते हैं, उस टाइम वो बंदा क्या करेगा, इसका जवाब पहले दो। ये जवाब बहुत बड़ा, कोई भी हक नहीं है हमारा वोट मांगने का। दूसरी चीज मैं जय भीम टीवी का माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब बेशरम है। आप सोचिए, एक दिल्ली का शाति मालियाल है, उसमें ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने वही पूछ रहा है ये लड़की का हक किसने दिया, क्यों ये घटना जो है वो यूपी का है, जबकि दिल्ली में आज और एक वीडियो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट जो इन्होंने कमांडो टीम बनाया, वही लड़की एक बस ड्राइवर को कितना बुरी तरीके से मार, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हक
ये लड़की को हक दिया है आदमी को मारने का, किसने दिया? इसका जवाब इससे पता चलता है। मैंने बोला मैडम आप जैसे वुमन एक्टिविस्ट, आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी, खाली आप नहीं, मैं इसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी छोड़ता हूँ। इसके लिए हमारा लखनऊ में एक मेरा पॉलिटिकल पार्टी के साथ संपर्क हुआ है जिसका नाम है मर्द मेरा अधिकार। मैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो आएगा नहीं, उनके लिए तो आदमी बेकार है, उनके लिए तो आदमी खाली वोट बैंक है। तो एटलीस्ट आप लोग देखिए वो लड़के को जो भी कानूनी सलाह मदद चाहिए, कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए करिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लड़के जो सपने में है उससे बाहर आने के लिए उसको एक नॉर्मल लाइफ में ले आइए। नहीं तो ऐसे लड़के एक बहुत बड़ा कल क्रिमिनल भी बन सकते हैं। दिमाग से उसको इंजस्टिस हुआ तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये जो वो तो जो रोड पे हुआ अलग एक बात है, जो पुलिस स्टेशन में हुआ जो तो रिकॉर्ड में नहीं है, उसको कितना बदसलूकी किया गया है। उसका भाई 1 बजे आता है उसको भी पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो उस पुलिस वाले को भी, पुलिस कमिश्नर को भी माफी मांगना चाहिए। एटलीस्ट जो लड़के को उसका जो आत्मसम्मान, उसका जो बेइज्जती हुआ है उसको रिस्टोर करना चाहिए। खाली एक FIR रजिस्टर करके कुछ नहीं होगा। अभी तक वो लड़की जेल में क्यों नहीं है? आपने उसके नॉन अवेलेबल सेक्शन है, 10 years का पनिशमेंट है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक लड़की का अरेस्ट नहीं किया और लड़के को सिंपली उठा के आप अंदर कर दिए। ओवरऑल मैं सबने लास्ट में एक ही चीज बताना चाहता हूँ, वो रोटी कमाने के लिए जी एक आदमी दिन भर कितना ठक्कर देते हैं, बिल्कुल पूरे बाजार में कितने बेइज्जती सहना पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप उसका दर्द नहीं समझोगे? बहुत बड़ा सवाल। और ये मैं ये देश की जनता और JFM टीवी के दर्शकों के जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार सहना भी बहुत बड़ा अपराध है। जितना आप करते हैं वो भी उससे बड़ा अपराध है। यस, और चुप रहना बिल्कुल सही, ज्यादा अपराध है। जैसे किसान ने कहा बिल्कुल, चुप रहना भी, अपने ऊपर अत्याचार सहकर भी चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये JFM टीवी के दर्शकों और जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ भी हो, किसी भी चीज के लिए वो अपनी आवाज उठाइए और अपनी बात रखने के लिए आप सक्षम है, किसी ने आपको रोका नहीं है। सो शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में मिस्टर स्वरूप सरकार, आपने अपना समय, कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा। दोस्तों, आप सबको JFM टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप सभी प्लीज कानून हाथ में ना लें। हमारा चैनल किसी महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं इस देश की कानून व्यवस्था की और कानून का दुरुपयोग रोकने की। दोस्तों, अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। जल्द फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, देश के हित के लिए मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे। JFM टीवी, कमजोरों का सहारा, मकसद हमारा। अरे बदतमीज औरत है, बदतमीज औरत है। हाँ भाई, लड़की बदतमीज है, अगर कोई लड़का लड़की को मार रहा होता क्या करें फिर? आप महिला पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? मुझे लौटा होता मैं बताता भाई। मेरा मोबाइल जनता को देखिए।
आप लोग भाई, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया 25,000 रुपए का मालिक का मोबाइल है। सारे क्या दिक्कत क्या बुलाइया? अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू देखिए कैसे मार रही है, ये मारे जा रही है बिल्कुल। डोंट टच। मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन घर आता, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगैर भी नुकसान किया था उसने? जी, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर खराब करे हैं, और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। कितने का नुकसान? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुँचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पर जब हमें ले गए तो हमने बोला, साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई।